हेलो फ्रेंड्स, मैं शीनू आप सभी का हमारे चैनल इंडियन फूड में स्वागत करती हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पाइन मिली से हिंदी में कहते हैं भागर बड़ी, आलू वाली भागर बड़ी। इसके लिए हम लेंगे नमक, पिसा हुआ धनिया, अजवाइन, अमचूर पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, उबले हुए आलू, एक गिलास पानी, मैदा, ऑयल, हरी मिर्च और हरा धनिया। ये मैंने 1.5 कटोरी मैदा ली है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक, या आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा क्रश करके डालें, इसमें इसकी खुशबू अच्छी आती है। 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे हम। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा को हम थोड़ा टाइट मारेंगे, जिसमें हमें इसमें सूखा आटा ना लगाना पड़े। मैदा को चेक करने के लिए इसमें मोमेंट ठीक पड़ा है, उसको हम ऐसे बांध के देखेंगे। अगर हमारी मैदा बन जाती है तो हमारा मोमेंट ठीक है। देखिए इस तरह से इसमें बनने लगेगा ये। अब इसे हम पानी लेके अच्छे से इसका डो बना लेंगे। हमारा डो तैयार हो गया, इसको 15 मिनट के लिए अलग रख देते हैं। रेडी करने में मैंने 1 गिलास जो पानी लिया था वो आप देखिए सिर्फ इतना ही लगा है इसमें। तो अब इतना ही आपको लगाना है, ज्यादा गीला मैदा हमें नहीं मारनी है। अब इसको हम ढक के रख देते हैं। अब हम मसाला रेडी करेंगे। सबसे पहले अपने बॉयल आलू को हम अच्छे से फोड़ेंगे। और इसमें हम डालेंगे नमक, जो आप स्वाद अनुसार डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जैसे ही आप लाल मिर्ची चटपटा खाते हो और कम चटपटा खाते हो उसी हिसाब से डालना, और अमचूर पाउडर। इसमें हम उबली हुई मटर भी डाल सकते हैं, कटी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर, धनिया, हरा धनिया। इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू की जो भी गांठें हैं उसे अच्छे से मैश कर देंगे। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने रख देते हैं हम। हमारा आटा भी रेडी है, इसको एक बार फिर से हम मसाल लेते हैं अच्छे से। इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। अच्छे से मसल के इसकी पतली पूड़ी बना लेंगे हम, जैसे हम समोसे के लिए बनाते हैं। इसको इतना पतला रखना है हमें। अब जो हमने स्टफ रेडी किया था इस पे अच्छे से फैला देंगे हम। इसको अच्छे से ऐसे फैला लेंगे और रोल करेंगे। एक कटोरी में जो हमने अलग मैदा ली थी उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको गीला कर लेंगे। मैदा का एक घोल तैयार करते हैं। घोल को थोड़ा पतला रखेंगे हम।
अभी गोल से अपने फिंगर को फिंगर में लेके गोल को और इसको चिपका देंगे, जैसे ये छूटे ना फ्राई करते टाइम। इसको साइड से बंद कर देंगे। इसी तरह हम अपने सारे कट कर लेंगे। इसको हम ज्यादा प्रेस करके नहीं आएंगे ना, हमारे ये पिचक जाएंगे। देखिए कितना गोल गोल निकल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये मैदा का गोल क्यों बनाया है। इसमें हम एक एक करके इसको डिप करेंगे। और ऑयल में डाल देंगे। इसको हम सिम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई होने देंगे। इनको हम ब्राउन होने तक हल्का हल्का सेक लेंगे। अभी थोड़ा व्हाइट से दिख रहे हैं ये, हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी फ्राई नहीं हुए हैं अच्छे से। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह अपने सारे फ्राई कर लेंगे जो हमने बनाए हुए हैं। देखिए फ्राई होने के बाद ये ऐसे लगेंगे।